Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that last time I told you about the science bits in which we study about the size range of the vocal cords in the male, female and the children. But you know today we want to study on the one topic, that is sound needs a medium for propagation. मतलब आज हम इस बारे में स्टडी करेंगे कि साउंड को आगे प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इस बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे. यू नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. पढ़ रखा है अपन ने कि कोई भी साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब किसी भी चीज के अंदर वाइब्रेशन डेवलप होता है. और प्लीज रिमेंबर, साउंड को आगे बढ़ने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है. अगर कहीं भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, साउंड के नॉट ट्रेवल एट दैट प्लेस. सो वी वांट टू स्टडी अबाउट द वन एक्सपेरिमेंट. उसमें एक्सपेरिमेंट का जो एम होगा वो ओनली एक टारगेट होगा, दैट इज द टू शो दैट साउंड रिक्वायर्स ए मेटेरियल मीडियम. साउंड रिक्वायर्स ए मेटेरियल मीडियम. ए मेटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. और प्रोपोगेशन इस बारे में हम बात कर रहे हैं कि साउंड को आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है. इसके लिए एक डायग्राम हम बता रहे हैं आपको. फर्स्ट व्हाट वी विल टेक ए बेल जार. ध्यान से सुनना, यहां पर हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ एक बेल जार अरेंज किया और उस बेल जार के अंदर ध्यान से देखना, यहां पर एक ये बेस डेवलप होगा. उस बेस के अंदर हमने जो है ये सर्कुलर शेप के अंदर बेस होगा आपके पास इस जगह का, और उसमें नीचे हमने एक होल बना दिया और उसमें हमने कनेक्ट कर दिया, दैट इज द वैक्यूम पंप. इसका नेम होगा, दैट इज द वैक्यूम पंप. और ये होगा आपके पास में दैट इज द बेल जार और जार व्हाट यू से दैट इज द ग्लास जार बोल सकते हैं आप. दिस इज ग्लास जार. और यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल का अरेंजमेंट कर दिया. सपोज दिस इज एन इलेक्ट्रिक बेल और इसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी. यहां पर ये गोंग होगा जो इसको बीटिंग करेगा, यहां से वायर निकलेंगे और इन दोनों वायर्स को हमने एक कॉर्क से कनेक्टेड कर दिया, कॉर्क से पास कर दिया और इनको अलग अलग होल से ज्वाइन किया. उसके बाद ये अलग होगा, ये वायर इनको किसी भी इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड कर देंगे. प्लीज रिमेंबर व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक बेल. इतनी बात समझ में आ गई. और ये वैक्यूम पंप होगा. और यहां पर इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब क्या प्रोसेसिंग होगा. ये तो हो गया बेटा अपना एपरेटस अरेंजमेंट. मतलब हर एक्टिविटी में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एपरेटस को अरेंज किया जाता है. यहां पर अब सुनिए, फर्स्ट टेक ए ग्लास जार एंड पुट और हैंग एन इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड इट थ्रू द स्टॉपर. ये यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये स्टॉपर होंगे, दैट इज द
तो स्टॉपर की हेल्प से अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रिक बेल को इस जार के अंदर सेट कर दिया, कॉर्क की हेल्प से टिका दिया और दोनों वायर कनेक्ट कर दिए हमने और नीचे की तरफ एक वैक्यूम पंप लगा दिया। इतना सारा अरेंजमेंट होने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट में ये जो आपके इलेक्ट्रिक बेल के वायर्स है ना, इनको हमने किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जो भी आपका एसी और डीसी इलेक्ट्रिक करंट है उससे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते क्या होगा बेटा, ये जो गोंग है ये हैमर को बीटिंग करेगा और आपको इलेक्ट्रिक बेल की साउंड सुनाई पड़ेगी, ओके। और जैसे ही आप इसमें ध्यान से सुनिए, आपको इलेक्ट्रिक बेल की साउंड सुनाई पड़ेगी। उसके जस्ट बाद में हमने वैक्यूम पंप को वायर को हमने इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया और यहां पर जितनी भी एयर अवेलेबल है वो सारी एयर इस वैक्यूम पंप से होती हुई धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे जो भी एयर के मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ की जो बीटिंग साउंड है ना वो धीरे धीरे आपको वो कम 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 होते 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 फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपको साउंड सुनाई नहीं पड़ेगी। उस टाइम पर क्या होगा, जो ये हैमर है वो इसको गोंग को बीटिंग करेगा लेकिन आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी, मतलब बेल तो अपना काम कर रही है लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, वैक्यूम डेवलप हो गया, मतलब बाहर का मीडियम अलग और अंदर का मीडियम अलग। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या करा, वापस से ये जो वैक्यूम पंप है इसके वायर को हमने सोर्स से डिसकनेक्ट कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इसकी एयर जो है वापस बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी और ये साउंड जो है हल्की हल्की आवाज आते आते जैसे आपको फर्स्ट बिगिनिंग में साउंड सुनाई पड़ी थी उस तरह की साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। इस पूरी एक्टिविटी में एक्सपेरिमेंट में अपने को दो पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट वन दैट इज साउंड रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। फर्स्ट पॉइंट जो समझ में आया वो था साउंड रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, फॉर देयर प्रोपोगेशन। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब कि कहीं भी अगर आपको साउंड सुननी है तो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में कोई मटेरियल मीडियम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपको क्या समझ में आया, साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, थ्रू वैक्यूम। यू नो वैक्यूम मींस होता है ए प्लेस वेयर देयर इज नो एयर। आपने वैक्यूम क्लीनर का नाम सुना होगा, एक डिवाइस होता है जो वैक्यूम की सिचुएशन बना करके और सारी डर्टनेस को रिमूव कर देता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है अलग से भी आपसे इन साइड में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन हो सकता है हाउ कैन यू शो दैट साउंड रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इतनी बात समझ में आ गई। और यू नो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ द मटेरियल, दैट इज द सॉलिड लिक्विड और गैस। इसके बाद की जो एक्टिविटीज हैं वो ये बता रही हैं, हाउ कैन यू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल इन लिक्विड। हमें अगली एक्टिविटी में ये समझना है कि साउंड लिक्विड के अंदर कैसे प्रोपोगेट होती है। उसके लिए कोई डायग्राम वगैरह कुछ है नहीं, वर्बली हम बता दें, वी टेक ए बाथ टब एंड फिल इट विद द क्लीन वाटर। एक बाथ टब लिया, उसको वाटर से फिलअप कर लिया और उस वाटर के अंदर जो घंटी होती है आपकी जिसको हम पूजा वगैरह में बजाते हैं, उस तरह की मेटेलिक जो बेल होती है उसको वाटर के अंदर ले जाकर के हम बजाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद ध्यान रखना वो इस टब के किसी भी साइड को टच नहीं करे और उस बेल को आप बजाएंगे और वाटर की अपर सरफेस से आप सुनने की कोशिश करेंगे। बट यू नो दैट वाइब्रेशन डेवलप और जैसे ही आपके ईयर के पास में सुनने की कोशिश करेंगे यू फील सम वाइब्रेशन सो दैट द हियर साउंड ऑफ द बेल।
इस एक्टिविटी का मीन्स क्या हुआ, साउंड कैन प्रोपोगेट फ्रॉम द लिक्विड्स आल्सो। ये बात समझ में आ गई। दूसरा हम बता रहे हैं आपको, दैट इज साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना, अपने पास में दो चीजें हैं, एक है वुडन टेबल, दूसरा है मीटर स्केल। इस एक्टिविटी को हम रिमूव कर रहे हैं, नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं हम। सॉलिड में ध्यान से देखिए अब क्या होता है। सपोज फर्स्ट वन, दिस इज अ टेबल। इस टेबल में एक तो आप और एक आपके फ्रेंड, आप यहां पर अपना एक ह्यूमन ईयर लगाइए और अपने फ्रेंड को बोलिए दूसरी तरफ से टेपिंग करे, तो वो साउंड आपको सुनाई पड़ेगी, राइट? इसका मतलब ये मेटेरियल, व्हाट इज दिस, दिस इज द ईयर और दिस इज टैपिंग। टैपिंग प्रोसेस होता है, किसी भी चीज को खटखटाते हैं, बजाते हैं, दैट इज द टैपिंग। और ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर जब नॉकिंग करेंगे तो साउंड यहां सुनाई पड़ेगी, अलग अलग जगह पर आप देखेंगे तो ऐसा होगा। तो ध्यान रखना, टेबल टॉप इज द सॉलिड। इसका एक और एक्सपेरिमेंट होता है, आप ऐसा करें, सपोज दिस इज द ह्यूमन ईयर, यहां पर हमने एक मीटर स्केल अपने कान के पास में रख लिया और उस मीटर स्केल को हमने, सपोज दिस इज द मीटर स्केल, यहां पर ये आपके ह्यूमन ईयर के पास में है और यहां से कोई आपका फ्रेंड इसको नॉकिंग कर रहा है या टैपिंग कर रहा है, तो ये साउंड आपको सुनाई पड़ जाएगी। इन दोनों एक्टिविटीज से ये बात क्लियर होती है दैट साउंड कैन ट्रेवल और प्रोपोगेट इवन थ्रू द सॉलिड मटेरियल आल्सो। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब कि कोई भी मीडियम हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसमें तीनों के अंदर साउंड ट्रेवल करती है। एक दूसरी बात और हम बता रहे हैं आपको, टू मेक ए टॉय टेलीफोन, टू मेक ए टॉय टेलीफोन। सो यस, नाउ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज टू मेक ए टॉय टेलीफोन। देखना बेटा, टॉय टेलीफोन किस तरह से बनाया जाता है। फर्स्ट वी टेक टू एम्प्टी चॉकलेट कैंस, सॉरी चोको कोला कैंस, एंड रिमूव द कवर ऑफ द कैन विद द हेल्प ऑफ कटर। मतलब हमने क्या करा कि दो सेम साइज के हमने कैन ले लिए, मतलब कि जो खाली एम्प्टी टिन्स होते हैं, और उनमें से एक साइड का कटर की हेल्प से पूरा इस पोर्शन को रिमूव कर दिया और इस वाले को भी रिमूव कर दिया। मतलब कि अब आपके सामने पोजीशन हो गई और इस वाले पोर्शन पे विद द हेल्प ऑफ नेल, मतलब कील की हेल्प से हमने यहां पर एक छेद बना दिया। मतलब कि आपके पास पोजीशन क्या हो गई कि ये आपके पास एक कैन है और इसमें यहां पर छेद है, और ये दूसरा आपके पास कैन है और इसमें इस तरह की छेद है, बीच में यहां पर हमने थ्रेड डाला और ये आपका टेलीफोन अरेंजमेंट हो गया। अब आप अपने फ्रेंड को साथ में लेकर के एक इसको इतना दूर हो जाइए कि बिल्कुल टाइट हो जाए आपके पास थ्रेड। ये थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेस्ड हो जाए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि वो आपसे कुछ बोले, मतलब कि इसके थ्रू बात करें और आपका ईयर उसको कुछ सुने, दैट इज द माउथ से कुछ बोला जाएगा और ईयर से कुछ सुना जाएगा। मतलब कि ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये जो आपका सॉलिड मटेरियल मीडियम है थ्रेड, इससे वो साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, दैट द साउंड कैन ट्रेवल इवन थ्रू द स्ट्रिंग आल्सो और थ्रेड आल्सो। सो दैट इज द, इसमें हम थ्रेड नहीं लेकर के यहां पर कोई मेटेलिक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी आपको, दैट इज द स्ट्रिंग। कॉपर वगैरह जो भी कुछ है, एल्यूमिनियम, आयरन, उनकी कोई सी भी ये या थ्रेड बीच में हम ले लेंगे। और यू नो दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू दिस वन,
इतनी बात समझ में आने के बाद हम नेक्स्ट टाइम पर स्टडी करेंगे बेटा स्पीड ऑफ साउंड इन द डिफरेंट मीडियम. ओके, थैंक यू वेरी मच.